सेक्स डिटरमिनेशन के विषय में चर्चा करेंगे। किसके विषय में? सेक्स डिटरमिनेशन यानी लिंग निर्धारण के विषय में। अब ये जानते ही आप लोग कि सेक्स डिटरमिनेशन जैसे आप पढ़े हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है उसमें मेल और फीमेल होते हैं। क्या होते हैं? मेल और फीमेल होते हैं। तो सेक्स डिटरमिनेशन देखा गया कि जो लोअर एनिमल्स है उसमें क्या होता है, ये बहुत अनुवांशिक नहीं होता है और वो टेम्परेचर वगैरह पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? टेम्परेचर पे निर्भर करता है कि टेम्परेचर उनका कैसा है और टेम्परेचर वो जो उसपे डिपेंड करता है। यहां तक कि जैसे अभी स्नेल यानी घोगा को देखा जाए तो घोगा स्वयं क्या करता है, अपना लिंग परिवर्तन कर लेता है। तो बात है कि अगर लोअर एनिमल में बात करें तो सेक्स डिटरमिनेशन लिंग निर्धारण जो होता है अनुवांशिक नहीं होता है, वो उसके बदल जाता है। ठीक हो गया तो बात। लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें, किसकी बात करें, तो सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन यानी मनुष्य की बात करें तो आप मनुष्य में देखेंगे कि जो क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होते हैं आप जानते हैं कि मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब 46 क्रोमोसोम होते हैं तो जो गुणसूत्र हुए वो दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहते हैं? ऑटोसोम। जो ऑटोसोम्स होते हैं ये 22 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 22 पेयर यानी 22 जोड़े होते हैं। क्या होते हैं? ये ऑटोसोम होते हैं। अब ये जो ऑटोसोम होते हैं वह क्या होते हैं कि सेक्स डिटरमिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते बल्कि अन्य दैहिक लक्षणों को ले जाने का काम करते हैं। कौन करते हैं? ऑटोसोम होते हैं। यदि संतानों के ऑफस्प्रिंग के क्या करते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन नहीं करते बाकी अन्य सब कैरेक्टर को ले जाने का काम करते हैं। लेकिन रही बात दो यानी एक जोड़े की बात करें तो ये पाए जाते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम वन पेयर्स, ठीक है, पेयर्स। तो ये क्या होते हैं? एक जोड़े सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब इनमें ये देखा गया है जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ये एक्स और वाई होते हैं। क्या होते हैं? एक्स और वाई होते हैं, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। अब ये डिपेंड करता है कि जो एक्स क्रोमोसोम है यदि फर्टिलाइजेशन के समय, कब फर्टिलाइजेशन के समय, यदि एक्स फर्टिलाइज हो गया एक्स से यानी डबल एक्स कंडीशन हुआ तो इसको कहिए जो होगा वह फीमेल होगी यानी जो संतान होगा ऑफस्प्रिंग होगा वह फीमेल यानी लड़की होगी। और यदि एक्स मिलता है फर्टिलाइज के समय वाई से तो ये जो कंडीशन आएगा एक्स वाई अर्थात ये लड़का होगा। क्लियर हो गया? अब ये देखा गया कि क्या क्या हो गया कि अगर एक्स एक्स से मिलता है तो लड़की और एक्स वाई से फर्टिलाइज होता है तो लड़का होता है। अब इसकी जो चांसेस होती है वो 50% है कि कब 50% लड़का होने के चांसेस होते हैं और 50% लड़की होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। इसमें कोई और सब कारक नहीं काम करता है। क्लियर हो गया? तो ये सेक्स डिटरमिनेशन हुआ तो ये आपको समझ में आया। चलो चर्चा करेंगे विकास। किसकी? विकास यानी इवोल्यूशन की। आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि क्या होता है कि वेरिएशन होता है जीवों में और वेरिएशन में विभिन्नता होता है और जिसके फलस्वरूप या और कह सकते हैं जब डीएनए का निर्माण होता है, एक डीएनए से दूसरे डीएनए का निर्माण होता है उसके दौरान या अन्य भौगोलिक कारकों की वजह से क्या होता है उसके डीएनए में चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होता है और परिवर्तन होने के फलस्वरूप धीरे धीरे क्या होता है, नए प्रकार की जीव जातियों का निर्माण होता है। बात समझ में आ गया? यानी हम बात करें कि जीवों में जो क्रमिक परिवर्तन होता है, कौन परिवर्तन? क्रमिक परिवर्तन होता है, उसके फलस्वरूप नई जातियों का विकास होता है और इसमें मेनली क्या होता है डीएनए के चेंज होने की वजह से होता है। वह अगर चेंज परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होने के फलस्वरूप क्या होता है उसमें वो नई जातियों का विकास होता है। बात समझ में आ गया? अब इसमें एक चीज और क्या बोलते हैं विकास के विषय में चर्चा करेंगे तो हम लोग शब्द आया वेरिएशन। क्या है? वेरिएशन यानी कि विभिन्नता। क्या हो गया? विभिन्नता वेरिएशन। ठीक है, तो विभिन्नता का मतलब होता है कि हम लोग पढ़े कि एक ही संतान, एक ही माता पिता के सभी संतान एक जैसे नहीं होते हैं। एक ही माता पिता के सभी संतान एक जैसे नहीं होते हैं
तो इसी अंतर को 97वें इस होने वाले अंतर को क्या कहते हैं, वेरिएशन यानी विभिन्नता कहते हैं। और ये विभिन्नता लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। क्लियर हो गया। तो आपके किताब में जो ये ब्रिटिल यानी भृंग, लाल भृंग के विषय में दिया हुआ है, लाल भृंग के विषय में, तो इवोल्यूशन में ये आपकी किताब एनसीईआरटी के बुक में जो बीटल है, बीटल यानी लाल भृंगों के विषय में दिया हुआ परिवर्तन करके दिखाया हुआ है। जैसे ये देखिए हम लोग पढ़े कि नई जातियों का क्या होता है, विकास हो जाता है, उसको वेरिएशन होता है और वेरिएशन के फलस्वरूप क्या रहता है, वो नए कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर वाले देख रहे हैं, ये सबसे ऊपर वाला अगर देख रहे हैं तो ये सब के सब लाल है। यहाँ देख रहे हैं इस फिगर को, ये सब के सब रेड कलर वाले हैं, सब के जितने भी बीटल है सब ये रेड कलर यानी लाल भृंग इनको कहते हैं। यहाँ देखिए वेरिएशन हुआ, वेरिएशन हुआ, एक वाला जो है इसमें वेरिएशन के फलस्वरूप आप देख रहे हैं एक इस कलर का ब्लैक कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर सॉरी किस कलर का हो गया, ग्रीन हो गया, और बाकी सब रेड रेड कलर के हैं। बात समझ में आ गया। अब क्या होता है इसमें कि ग्रीन कलर वाले आप देख पा रहे हैं तो जो ग्रीन कलर वेरिएशन उत्पन्न होने के वजह से हुआ एक ही कैरेक्टर डेवलप हुआ। अब ये जो ग्रीन कलर वाले हैं इनकी संख्या बढ़ रही है, इनकी संख्या बढ़ रही है। अब बढ़ने के पीछे ये दिखाया गया है कि जो ग्रीन कलर वाले हैं वह पत्तियों में छिप जाते हैं, जो पौधों की जो पत्तियां होती है ग्रीन होने की वजह से इनका भी कलर ग्रीन हो गया, इसके वजह से छिप जाते हैं और कौवा जो होता है आसानी से उसको देख नहीं पाता है। या क्रो भी दिखाया गया, कौवा दिखाया गया है, तो जब आसानी से उसको देख नहीं पाता है तो क्या होता है। अब इसके विपरीत देखिए जो रेड वाले हैं वो आसानी से कौवा उसको देख लेता है, रेड कलर वाले जो बीटल है उनको आसानी से कौवा देख लेता है तो उनको खा लेता है, उनको खाता है, लेकिन ग्रीन कलर वाले को देख नहीं पाता है। तो इसलिए इनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे क्या होती कम होती चली जा रही। दिखाया गया यहाँ ग्रीन वाले बढ़े हैं, रेड वाले घटे हैं, यहाँ और कम हुए हैं और यहाँ पूरे के पूरे रेड वाले खत्म हो गए और केवल बच गए ग्रीन वाले। तो इस प्रकार से वेरिएशन हुआ। तो यहाँ पर जो वेरिएशन दिखाया गया है वो क्या हो गया, ग्रीन कलर का होना वो उसके लिए क्या लाभदायक वेरिएशन है, यानी उसकी वंशावली को आगे बढ़ाएगा, उसकी संख्या को आज से आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे दूसरे अगर रो में देखेंगे तो दिखाया गया फिर वही सेम कंडीशन, वही वेरिएशन, एक ब्लू ग्रीन कलर का हुआ, यहाँ देखिए इसकी संख्या बढ़ी। अब यहाँ हाथी का पैर दिखाया गया, हाथी का पैर दिखाने का मतलब कोई फिजिकल वेरियर कोई ऐसा कारक हुआ जिसकी वजह से इसकी संख्या क्या हो गई, खत्म हो गई, जिसके वजह से इनकी क्या होगी भौगोलिक कारण है, भौगोलिक कारण जिसकी वजह से इनकी संख्या क्या होगी धीरे से ये दब गया। हाथी पैर का मतलब इसके नीचे आ गए और ये क्या होगा पूरे के पूरे नष्ट हो गए। और ये जो बचे जो किनारे जैसे ग्रीन कलर वाला दिखाई दिया है यही केवल बचे हैं और फिर इनकी क्या होगी संख्या आगे बढ़ गई। तो इस प्रकार से नई जातियों का विकास किया गया है। क्या समझ में आ गया। यहाँ इस चित्र में तीसरा जो रो दिखाया गया है, इसमें देखिए तीसरा रो दिखाया गया है, इसमें कोई उत्परिवर्तन कोई क्या होते हैं कोई वेरिएशन यानी विविधता नहीं दिखाया गया है, लेकिन हाँ उसमें यही दिखाया गया है कि जिस पौधे से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती चली गई, धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने चली गई। तो इनको क्या हो गया कि खाना खाने के लिए यानी भोजन के लिए समस्या होने लगा, जिसके वजह से दुर्बल दिखाया गया है, पहले की तुलना में और दुर्बल हो गए हैं और दुर्बल हो गए, यानी कि इनकी एक दूसरी प्रकार की बदलने लगी, दुर्बल दुर्बल टाइप के होने लगे। लेकिन फिर बाद में ये दिखाया गया है कि जब उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने लगा तो उनके एकाएक फिर क्या हो गया वो नॉर्मल जैसे हो गए। तो ये कोई दूसरी नई जातियां नहीं थी बल्कि क्या होगा भोजन की कमी की वजह से इस प्रकार से ऐसा हुआ था। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि नई जातियों की उत्पत्ति के संबंध में, इवोल्यूशन के संबंध में इस भृंगों को देखकर के एनसीईआरटी आपको समझाने की कोशिश किए हैं, तो आप इसको देख लिए होंगे कि नई जातियों की उत्पत्ति, इसमें प्रश्न पूछा है कि नई जातियों की उत्पत्ति कैसे होती है, क्या हो गया नई जातियों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो इसमें आप देखेंगे नई जातियों की उत्पत्ति के संबंध में चर्चा हुई कि वेरिएशन विभिन्नता होती है, वेरिएशन यानी विभिन्नता होती है, उसके साथ साथ क्या करना पड़ता है कि जीवधारियों को अपने वातावरण में जीवित रहने के लिए वातावरण से संघर्ष करना पड़ता है, वातावरण से क्या करना पड़ता है संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष के फलस्वरूप क्या हो जाता है उसमें नए कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। बात समझ में आया। तो नई जातियों में क्या होता है कि जो कैरेक्टर जीवन भर में वो ग्रहण करता है वही क्या उसमें आ जाता है और फिर उसे वही
उसके नए कैरेक्टर का विकास करता है। हालांकि नई जाति उत्पत्ति के विषय में देखेंगे तो ढेर सारे कैरेक्टर काम करते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे तो अगर नेचुरल सिलेक्शन, बात समझ में आए कि नई जाति की उत्पत्ति कैसे होती है, यहां कर देंगे ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई जाति की उत्पत्ति। तो सबसे पहले इसमें कहा जाए तो नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति क्या करती है, जितने भी जीवधारी यहाँ पैदा होते हैं सबको प्रकृति के प्रति कंपटीशन देना पड़ता है, जो उस कंपटीशन को क्वालिफाई करता है, पास हो जाता है, वह तो क्या कहता है, जीवित रहता है, नहीं तो बाकी सब खत्म हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं प्रकृति वरण, नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्रकृति वरण होता है, और तो जो जीवित रहते हैं यानी जो इसको पार करते हैं वो जीवित रहते हैं, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। अगर दूसरा बिंदु देखा जाए तो दूसरा बिंदु है वेरिएशन, विभिन्नता, हमने चर्चा किए थे एक ही माता पिता के सभी संतान एक जैसे नहीं होते हैं, संतानों में इस अंतर को वेरिएशन यानी विभिन्नता कहते हैं। अभी चर्चा हुई वेरिएशन अगर लाभदायक है तो वो संतान उसके आगे बढ़ेंगे, यदि हानिकारक है तो क्या होगा, उन संतानों में नष्ट हो जाते हैं, संतानों में विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार नई जातियों का उत्पन्न होता है, नई जातियां उत्पन्न होती है। इसके अलावा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यह है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इसका मतलब होता है कि जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वही जो संघर्ष में जीवित रहता है वह तो आगे बढ़ता है, जीवित रहता है, संघर्ष पास करता है तो जीवित रहता है, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। यह संघर्ष कुछ भी हो सकता है, वातावरण से जीव का हो सकता है, सजातियों के बीच होता है, हो सकता है अंतर जातियों के बीच हो सकता है। तो इसी को स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कहते हैं, यानी जीवन संघर्ष, क्या कहते हैं, जीवन संघर्ष। तो इसके यह भी क्या कहता है, निर्धारित करता है कि नई जातियां कैसे बनेंगी कि नहीं बनेंगी। एक और शब्द आता है म्यूटेशन, इसको उत्परिवर्तन कहते हैं, इसका मतलब हुआ कि जीवधारियों में एकाएक ऐसे गुण का उत्पन्न होना जो उसके माता और पिता में न हो, ऐसे कैरेक्टर का विकास होना जो उसके माता पिता में न हो, तो इस गुण को उत्परिवर्तन कहते हैं। तो उत्परिवर्तन भी लाभदायक और हानिकारक दोनों होता है, तो उत्परिवर्तन के फलस्वरूप भी क्या होगा, नई प्रकार की जीव जातियों का विकास होगा। तो यह मुख्य कारक है, चार कारक के विषय में चर्चा की जिसकी वजह से नई जातियां उत्पन्न होती हैं। क्लियर हो गया आपको? ओके। जैव विकास के संबंध में, इवोल्यूशन के संबंध में जैव विकास समझते हैं कि जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन, जिसके फलस्वरूप एक कोशिकीय जीवधारियों से मनुष्य जैसे जटिल शारीरिक संरचना वाले जीवों का निर्माण हुआ, तो इसी को जैव विकास कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। बात समझ में आया? अब जैव विकास के संबंध में, नई जातियों की उत्पत्ति के संबंध में अनेक वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया था, योगदान दिया था, अपना थियरी दिया था। उसी के संबंध में अगर देखेंगे तो चार्ल्स डार्विन थे, इन्होंने जैव विकास के संबंध में बहुत ही सार्थक प्रयास किया था और अपना सिद्धांत दिया था। अब ये जो चार्ल्स डार्विन थे, यह 21 वर्ष के सन 1821 में 21 वर्ष के आयु में, किसके 21 वर्ष के आयु में, यच एम एस बीगल नामक एक जहाज था, जिसे वो क्या कहते थे, विश्व सर्वे पे गए थे। किस पे गए थे? विश्व सर्वे पे गए थे, और जितनी भी उनको क्या किया था, जितने भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु उसको मिलते थे वो उसको कलेक्ट करते थे, और कलेक्ट करने के पश्चात वो उसपे क्या किया, उन्होंने अपना मत दिया था जैव विकास के संबंध में। बात समझ में आया? और उन्होंने नई जातियों की उत्पत्ति के संबंध में थियरी दिया, किताब लिखा था, ये था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसी बाय मींस ऑफ नेचुरल सेलेक्शन।
बात समझ में आया। उन्होंने क्या किया था कि प्रकृति वरण के द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति नामक क्या क्या था किताब लिखा था जिसमें उन्होंने ये चीज की लिखा था। और इस बात समझ में आ गया द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि नए प्रकृति वरण के द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति के संबंध में क्या क्या था अपना वो सिद्धांत दिया था। बात समझ में आया। कौन थे? चार्ल्स डार्विन। क्या किया थे? खूब पूछा जाता है कि जो समुद्री जहाज निकले थे उसका क्या नाम था, तो ये था HMS बीगल नामक समुद्री जहाज था जिसपे उन्होंने लिखा था। उसका आप फोटो भी देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं चार्ल्स डार्विन। कौन है ये? चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने क्या कहा जैव विकास के संबंध में, यानी कि ओरिजिन अपने स्पीशीज के संबंध में उन्होंने क्या क्या था अपना सिद्धांत दिया था और कैरेक्टर दिया था जिसे बताया था उन्होंने। अब आपको चर्चा हुई थी, ये देखिए 21 वर्ष के आयु में, कब 21 वर्ष के आयु में वो उन्होंने HMS बीगल, ये देखिए जहाज है जिसका नाम था HMS बीगल नामक जहाज था जो जिसपे वो पूरे विश्व का भ्रमण किए, और भ्रमण करने के पश्चात इसपे जितने भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु को दिखाई देता था वो उसपे कलेक्ट कर लेते थे, और कलेक्ट करने के बाद जब वापस आए अपने वहां पर इन्होंने क्या किया था अपना सिद्धांत दिया था, लिखा किताब लिखा था थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन नामक किताब दिया था। उसमें भी उन्होंने क्या किया था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नई जातियों की उत्पत्ति के संबंध में अपना विचार दिया था। तो इस प्रकार से ये था HMS बीगल समुद्री जहाज जिसपे चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था विश्व भ्रमण किया था। क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन पास समझ में आ रहा है। इसको हम कहते हैं विकास और इसको कहेंगे वर्गीकरण। क्लियर। और वर्गीकरण का मतलब आप सभी जानते हैं, वर्गीकरण का मतलब जीव जंतुओं को, जैसे आप जानते हैं कि लगभग 17 से 18 लाख जीव जंतु पाए जाते हैं, 17 से 18 लाख जीव जंतु पाए जाते हैं, तो इन जीवों का अध्ययन एक साथ संभव नहीं है। अध्ययन की सुविधा के लिए क्या किया गया, जीवों को उनके लक्षण रहन सहन स्वभाव इत्यादि के आधार पर अलग अलग वर्गों और समूहों में बांटा गया। इसको कहते हैं वर्गीकरण। क्या कहते हैं? वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। अब यहाँ चर्चा हम लोग करना है इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन यानी विकास और वर्गीकरण। तो आप पढ़ेंगे, जब वर्गीकरण पढ़ेंगे तो सबसे पहले प्रोटोजोआ को रखा गया है। सबसे पहले किसको रखा गया है? प्रोटोजोआ को रखा गया है। तो प्रोटोजोआ क्या होता है? एक कोश की जीव होता है। उसके बाद पोलीफेरा, सिलेंटेटा, निडेलिया ऐसे बढ़ते हुए चले जाते हैं जो क्या कहते हैं जैव विकास को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं? जैव विकास को प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार वर्गीकरण भी क्या कहता है? जैव विकास को प्रदर्शित करता है कि सबसे पहले पृथ्वी पर क्या हुआ, जीव की उत्पत्ति एक कोश की जीव के रूप में हुई, और धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन के होने के फलस्वरूप आज मनुष्य जैसे जटिल शारीरिक संरचना वाले जीव का निर्माण हुआ। बात समझ में आया। अब एक बात आती है प्रमाण, जैव विकास के प्रमाण। कौन विकास? जैव विकास के प्रमाण। कि जैव विकास किससे सिद्ध होता है कि जैव विकास हुआ था, तो इसके प्रमाण के रूप में सबसे पहले अगर देखेंगे तो ये है होमोलोगस आर्गन समजात अंग। कौन अंग? समजात अंग। बात समझ में आया। होमोलोगस आर्गन यानी समजात अंग, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि विभिन्न जीवों में पाए जाने वाले ऐसे अंग, जिनकी आंतरिक संरचना मूल संरचना एक हो, परंतु भिन्न भिन्न कार्य के लिए उपायोजित हो, यानी कि भिन्न भिन्न कार्य को अलग अलग कार्य करते हो, ऐसे अंगों को समजात अंग कहते हैं। ऐसे अंगों को क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। जैसे अगर देखेंगे क्रोकोडाइल का अग्रपाद, चिड़ियाओं का पंख, घोड़े का अग्रपाद, मनुष्य का हाथ, ये सब के सब अगर देखेंगे सबकी आंतरिक संरचना एक जैसे होती है, तो इन अंगों को क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। और ये क्या कहते हैं? जैव विकास को प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हो गया? जैव विकास को प्रदर्शित करते हैं। तो देखने
इनको आपने कहा था संजात अंग, क्या कहा था संजात अंग की परिभाषा में ये थे कि ऐसे अंग जिनकी आंतरिक या मूल संरचना एक जैसे हो परंतु तो भिन्न भिन्न कार्य के लिए उपायोजित होते हैं, ऐसे अंगों को क्या संजात या एनालोगस आगस्ट कहते हैं। ये जैव विकास को प्रदर्शित करते हैं और ये बताते हैं कि जो विकास हुआ है, जीव का विकास हुआ है, सब एक ही जीव से हुआ है, क्रमिक रूप से हुआ है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हेल, व्हेल देख रहे हैं, व्हेल मछली का फ्लिपर कहते हैं इसको, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, चिड़िया उसका पंख है, बैट उसका पंख है, हार्स यानी घोड़े का अग्रपाद है और मनुष्य का अग्रपाद यानी हाथ कह सकते हैं। ठीक है, इसमें देख रहे हैं तो सब में यूरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटा कार्पल्स सारे की सब ये पाए जाते हैं। इसमें भी देखेंगे यूरस, रेडियस अल्ना ये सब इस कार्य सब में सेम सेम हड्डियां पाई जाती हैं। ये पूरे के पूरे हड्डियां इसमें पाई जाती हैं। ब्लैक सेल दिखाया गया है, सब को क्या गया ह्यूमरस को दिखाया गया है, बात समझ गया है। तो इस सब की आंतरिक संरचना एक है, आंतरिक संरचना एक है लेकिन अलग अलग काम के लिए होता है। ये पानी को व्हेल की जानते हैं फ्लिपर है ये, तो पानी को हिलाने काम करता है, क्रोकोडाइल का अग्रपाद चलने काम करता है, चिड़ियाओं का जो अग्रपंख है वो क्या करता है उड़ने का, उड़ने में सहायता करता है, बैठ का चमगादड़ का वो भी उड़ने में सहायता करता है, हार्स का अग्रपाद चलने में सहायता करता है और मनुष्य का हाथ बस हो गया। इसको कहते हैं संजात आर्गन यानी होमोलोगस आर्गन। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे समरूप यानी एनालोगस। क्या हो गया समरूप, समजात के बाद आ गया समरूप, पढ़ेंगे समरूप, क्या हो गया समरूप अंग। ठीक है, इसको कहते हैं एनालोगस, एनालोगस। ठीक है, आर्गन्स कह सकते हैं समरूप, मतलब कह सकते हैं समरूप का मतलब हुआ ऐसे अंग, जो ऐसे अंग जिनकी आंतरिक संरचना भिन्न भिन्न हो लेकिन बाहर से एक जैसे दिखाई दे रहे हो, समरूप, समान रूप, मन रूप वाले, तो इसको क्या कहते हैं समरूप अंग कहते हैं। तो इनकी आंतरिक संरचना देखेंगे सब भिन्न भिन्न है, आंतरिक संरचना भिन्न भिन्न है लेकिन सब क्या होता है एक जैसे काम करते हैं, सब उड़ने में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दिया ये क्या हो गया चिड़िया, उसका बैट चमगादड़ का पंख है, ये चिड़ियाओं का पंख है, ये देखिए लिखा गया है यहाँ पे, और ये जो इंसेक्ट हो तो उनका पंख है बर्ड, ये देखिए लिखा है इंसेक्ट, इंसेक्ट कीटों का पंख है, ये क्या है चिड़ियाओं का पंख है और ये चमगादड़ का पंख है, बात समझ में आया। तो सबका आंतरिक संरचना अलग अलग है लेकिन बाह्य संरचना एक जैसे दिखाई देता है और सब क्या होते हैं एक समान कार्य को करते हैं, सब के सब उड़ने में सहायता करते हैं। तो विविध जीवों में पाए जाने वाले ऐसे अंग जिनकी क्या हो मूल संरचना भिन्न भिन्न हो परंतु एक निश्चित काम करते हो, तो ऐसे अंगों क्या करें समरूप अंग कहते हैं और इस गुण को समरूपता कहते हैं, क्या कहते हैं समरूपता यानी एनालॉगस कहते हैं, बात समझ आ गया एनालॉगी कहते हैं। तो इस प्रकार से तो ये क्या करते हैं करते हैं ये बताते यह है कि अलग अलग वातावरण में रहने की वजह से इनमें ये अलग अलग कैरेक्टर डेवलप हुआ है। सब जैसे देखिए सबकी आंतरिक संरचना तो अलग अलग है लेकिन काम एक जैसे करते हैं, ये क्या करते हैं जैव विकास को प्रदर्शित करते हैं। ओके, थैंक यू।